ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜਿਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਮਲ ਗੁੱਜਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਹੈਰੀ ਗੈਰੀ ਪੈਲਸ ਵਿਖੇ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਉਸਤਾਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਧਵਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ ਜਿਮ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। 204 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, 18 ਤੋਂ 23, 23 ਤੋਂ 40, 40 ਤੋਂ 50, 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਇਹ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰਾ ਵਜਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਟੀਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼? ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰਫ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਅਵਾਰਡੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਧਵਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਜੀ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼। जी, मैं मुकेश गहलोत और मैंने पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में ही, दोनों में ही इंडिया को बहुत बार रिप्रेजेंट किया है। खासतौर से पावर लिफ्टिंग में प्रो ओलंपिया गोल्ड मेडल भी मेरा आया है और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी मैंने जीती है पावर लिफ्टिंग में। जी तो सर, ये जो आप मुकाबले हो रहे हैं, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ कैसा लग रहा है आपको? आप देखो, ये हम दूर दूर छोटे छोटे शहरों में गाँव के बच्चे इसमें आते हैं और यूथ को सही दिशा मिलती है, खेलों की तरफ जाएगा यूथ और कई गलत चीज़ों से बचेंगे हमारे नौजवान और देश के लिए कल को मेडल भी यही लोग लेके आएंगे। अभी शुरुआत है यहाँ से। तो सर, ये जो जूथ आने वाला है, जैसे यहाँ पे तो आपने आयोजन करवाया है मुकाबलों का, जो और जूथ बैठा है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज पूरे यूथ को, पूरे इंडिया से जो यूथ है, तो सबको यही है कि आप अपना जो भी आपका टारगेट हो लाइफ का, उसके साथ साथ अगर स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेंगे तो लाइफ में डिसिप्लिन आता है, स्पोर्ट्स से कड़ी मेहनत का जज्बा आता है और कल को आप किसी गेम में स्पेसिफिक आगे निकलते हैं तो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लीज़। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं वर्ल्ड वर्ल्ड चैम्पियन है, स्ट्रॉन्गमैन वर्ल्ड वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गमैन का अवार्ड मेरे पास है और ये ऑल इंडिया इंटर दार्जिंग चैम्पियनशिप यहाँ पे हो रही है यहाँ पे, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आगे आगे चैम्पियनशिप के लिए। तो मतलब ये एक ये कि यहाँ पे होगा, फिर उसके बाद चैम्पियनशिप जगह जगह होती रहती है बच्चों की, ऐसे तरह से जैसे अभी यहाँ पे पंजाब होगा, कभी दिल्ली कभी होगा, तो बच्चों को मतलब एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला है, तो इसमें बच्चे अच्छे से अपनी तैयारी करें, अच्छे कॉम्पिटिशन खेलेंगे, आज यहाँ से जो जीत कर जाएंगे और जो हार कर जाएंगे अपने चैम्पियनशिप के लिए उसकी तैयारी करेंगे। सर, ये जो मुकाबलों का आयोजन है, अब यहाँ आगे की कोई प्लानिंग है आगे करवाने के लिए? हाँ नहीं, वो तो अभी चैंपियनशिप की अभी आगे डेट कोई चीज़ होगी तो फिर उसके बाद अनाउंस करेंगे, वो तो सोशल मीडिया पे भी करते हैं। सर, ये जो मुकाबले हो रहे हैं, जो जूथ है, इसका जो लाइफ में कोई फ्यूचर है या इसके लिए जैसे डॉक्टर, जैसे आपने बहुत सारे इनाम लिए हैं, जब आपका है ऐसे कुछ है? नहीं, बहुत है फ्यूचर तो, देखो बच्चे जब मैं इंटर किया फ्यूचर तो बहुत है इसमें, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में आप देख लो बच्चों को, बच्चे आज अपना जिम चैंपियन पर, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप है, डिविजन चैंपियनशिप है, नेशनल चैंपियनशिप है, तो स्टेट वगैरह बच्चे वो तो बहुत सारे बंदे स्पोर्ट्स, तो इसमें ये लगा कि बच्चे को मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइम तो बढ़ेगा आएंगे, ठीक है, लेकिन मतलब कि अभी स्टार्टिंग, तो ये स्टार्टिंग बच्चों की यहाँ से, उसके बाद बहुत ज्यादा है और बच्चों को आगे
कोई जॉब करनी है, अपना जिम करना है, खोलना है उसके लिए, ट्रेनर बनना है, तो उसके लिए मतलब क्या बच्चों का स्कोप हो?